नगर परिषद चंबा के चार मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन चंबा के बचत भवन में किया गया। इस दौरान एसडीएम चंबा अरुण कुमार द्वारा नामित चार पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान विधायक चंबा सदर नीरज विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा मनोनीत सभी पार्षदों को बधाई दी और सभी पार्षदों को एकजुट होकर चंबा शहर के विकास के लिए कार्य करने की बात कही। इस दौरान नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर, उपाध्यक्ष सीमा कश्यप व जिला प्रशासन के अधिकारी और नगर परिषद चंबा के विभिन्न वार्डों के पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे चार जो मनोनीत पार्षद जो हैं सरकार की तरफ से जो आज मनोनीत हुए हैं, मैं उन सबको जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज ये जो मनोनीत सदस्य हैं म्युनिसिपैलिटी के, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है आज उनको मिली है और वो सरकार की तरफ से नुमाइंदे जो हैं चुन के आए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेश से जो हैं ये लोग जो आज यहाँ से मनोनीत होके आए हैं और ये सरकार के नुमाइंदे हैं और जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी आज यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी ये बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये सरकार की तरफ से बने हुए सदस्य होते हैं और इनका मान सम्मान जो है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे सरकारी लोग आज यहाँ बैठे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपॉइंट किए हुए ये लोग हैं, तो इनकी बात और इनका जो विचार है म्युनिसिपैलिटी के अंदर और जो इनके आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ दी टाउन जो है, ये बहुत ज़रूरी रहेंगे आने वाले वक्त के अंदर। और हमारे जितने भी पार्षद हैं, मैं सबको अपनी तरफ से एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सब जो राजनीति के अंदर आए हैं, हम चुन के आए हैं और लोगों ने एक विश्वास जो है अपनी तरफ से जो है हमारे लोगों के ऊपर व्यक्त किया है, और चाहे वो मनोनीत कैंडिडेट हों चाहे वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, सबका अब ये दायित्व बनता है कि चंबा शहर की जो तरक्की है उसके ऊपर हम सब मिलजुल के जो है आगे बढ़े।